अगर कांग्रेस की सरकार बहुत खराब थी तो आपने 9 सालों में देश की स्थिति सुधारी क्यों नहीं? आज देश की हालत इतनी खराब क्यों है? चलिए ठीक है, ठीक है। के अंदर आप कह रहे हैं कि जो है साफ देश का नाम रोशन कर दिया, ये नाम रोशन कर दिया आपने। शिष्यपाल जी ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं, आपने 9 साल जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, भारत की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि इन जैसे महान विभूति, या मेरी बदनसीबी है कि हाँ इस देश में आ गया, जो लोग यहाँ बैठ के देश को संदेश दे रहे हैं कि घर में बेरोजगारों की फौज बनी हुई है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए आप, भाजपाइयों के घर में नहीं होगी भाई, यही है, बाकी तो हर घर में। ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं ना, जिस पर चर्चा है उस पर सुन लेते हैं ना सर। बेरोजगार कहता रहा हूँ राहुल गांधी भी तो बेरोजगार है, जीजा जी भी तो बेरोजगार है। ठीक है, तो बता रहे पूछिए क्या कह रहे हैं जी। मैं सब अरे सुन तो लीजिए, मैं बताता रहा, मैं बहुत आपने बोला, कम से कम थोड़ा ये तो लिहाज देखिए, देश हमें सुन रहा है। अरे तो ऐसा है ना, यही आपके लिए मैं कह रहा हूँ, अड़ानी पे कुछ बोल लीजिए, आप सब भाई आपसे आधे घंटे से सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे पर्सनल पर्सनल बाद में जाइएगा सर, मैं पर्सनल नहीं ना, मुद्दे पर बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मैं थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर देश के विकास को या देश की प्रगति को या आपको भुखमरी को, जो आप बेरोजगारी को अगर समझना है, जो भारत सरकार का दूरदर्शन चैनल है, कभी दिन में बैठ के 15-20 मिनट देख लिया करें तो थोड़ा सा पता लग जाएगा देश में क्या चल रहा है। मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये जैसे लोग बैठ के जो बोलते हैं ना, इनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा और ताला है। वो देश ने क्या विकास करा, नॉर्थ ईस्ट में क्या करा, पूर्वांचल में क्या करा, उत्तराखंड में क्या करा, हिमाचल में क्या नहीं करा, ये चीजें आप लोग देखे तो सही, दूरदर्शन 15-20 मिनट मेरे तो हाथ जोड़े देश से निवेदन आपके माध्यम से, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री ने सरकार ने क्या करा।